उन्होंने कहा अपराध नहीं होगा स्वीकार। रविंद्र कुमार नैन ने अभी नई तैनाती दी है सिहारा थाने में। सिहारा शहर में अब किसी भी स्तर का अपराध स्वीकार नहीं होगा, ये कहना है स्थानीय थाने में तैनाती पर आए नए कस्बा इंचार्ज SI रविंद्र कुमार नैन का। रविंद्र कुमार यूं तो स्वभाव में फरियादियों के प्रति बहुत नरम और खुश मिजाज के हैं, पर कानून की अवहेलना करने वालों को वो बख्शते नहीं। अपने कार्यकाल के दौरान कई थानों में तैनाती पाने वाले रविंद्र कुमार को वहां के लोग अब भी केवल उनके मिलनसार स्वभाव, उनके निष्पक्ष काम करने के कारण आज भी याद करते हैं। रविंद्र कुमार ने कहा कि उनको अपने क्षेत्र में पशु कटान, सट्टा, अवैध खनन आदि बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने ये काम करने वालों से चेतावनी देते हुए साफ संदेश दे दिया है कि अब नगर में ये सब करने वाले अपने कारनामे छोड़ दें या वरना उनका अगला ठिकाना अब जेल ही होगी। सिवारा बिजनौर से संजीव कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हो चली सड़क ने ली फिर एक और युवरदान। जी हाँ, सहजपुर के सड़क पूरी तरह से पूरी हो चली है। स्थानीय सड़कें अब हर रोज लोगों की जान लेने पर तुली हैं। इसी के चलते आज लगभग 12 बजे सहजपुर के मोहल्ला मौलव्यान निवासी मोहम्मद तारिक 27 वर्ष पुत्र सलाउद्दीन सिवारा से घर वापस लौट रहा था। इस विग्राम बगवारा में एक ट्रक ने उसको अपनी चपेट में ले लिया, जिस कारण तारिक गंभीर घायल हो गया, जिसको स्थानीय CHC लाया गया जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद मृतक के परिजनों को सूचना दी गई। आनंद फानंद में मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे, परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन सबको बिना किसी कार्रवाई के सबको अपने साथ ले गए। सिवारा बिजनौर से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मोहम्मद तारिक भाई, आपका नाम? मेरा नाम अमजद अली है। अच्छा, कहाँ का मामला है ये? ये सहसपुर का मामला है। अच्छा, थाना? थाना सिहारा का। क्या हुआ, क्या बताएंगे कुछ? ये लड़का बॉम्बे जाने के लिए टिकट लेने आया था सिहारा रेलवे स्टेशन से। जी। टिकट लेकर घर वापस जा रहा था। जी। तो बगवाड़ा के करीब में एक ट्रक ओवरटेक करते हुए इस लड़के को कुचल कर चला गया। अच्छा, ये क्या नाम है लड़के का? इस लड़के का नाम तारिक है, सलाउद्दीन भाई के लड़के हैं, मोहल्ला मौलव्यान के रहने वाले। निवासी? निवासी सहसपुर।